नमस्ते देवी सुजनो, तो आपका स्वागत है दिखाओ टॉक में। यहाँ पे सिर्फ होती है ज्ञान की बातें। तो भाई लोग, आज मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी जिंदगी का सबसे पहला एनिमे अटैक ऑन टाइटन। और भाई साहब, इस एनिमे को लेके मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही एपिक रहा। इतना एपिक कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आप लोग को बहुत जोर से रिकमेंड करूंगा कि अटैक ऑन टाइटन एनिमे को जरूर देखना। बहुत ही फाड़ एनिमे है भाई, तुम लोगों के लिए एनिमे एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो यार बात करते कि आखिर इस एनिमे में ऐसा है क्या जो मुझे इतना अच्छा लगा और मैं आप लोग को इतनी जोर से रिकमेंड कर रहा हूँ। तो बिना अपने हाथों को काटे इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात करें इस एनिमे के बारे में, जिसकी कहानी बेस्ड है एक फिक्शनल वर्ल्ड में, जहां पर इंसान मजबूर है एक ऐसे शहर में रहने के लिए जो बड़ी बड़ी वॉल से कवर्ड है, क्योंकि जो वो वॉल्स है वो उन ह्यूमंस को बड़े बड़े खतरनाक टाइटन से बचाती है। और इन टाइटन्स के बारे में मैं तुम थोड़ा सा शॉर्टली समझाऊं तो तुम इनको बड़े बड़े ज़ॉम्बीज भी कह सकते हो, जो तुम एक अंगूर की तरह चबा के खा जाएंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। खैर ये तो हो गई इस एनिमे की छोटी सी समरी। अब इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है तीन दोस्तों से, जिनका नाम होता है एरिन, मिकासा, आर्मिन। और ये तीनों दोस्त उन्हीं वॉल्स के अंदर एक छोटे से गांव में रहते हैं। और उन तीनों का एक सपना होता है कि काश वो उन वॉल्स के दूसरी तरफ जाके बाहर की दुनिया देख पाए। लेकिन उन वॉल्स के बाहर जाना किसी को भी अलाउ नहीं है, क्योंकि उन वॉल्स के बाहर रहते हैं बड़े बड़े टाइटंस। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा होता है, सब लोग खुशी होते हैं। लेकिन तभी एक दिन वहाँ पे सब बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पे अचानक उन 50 मीटर वॉल से भी बड़ा एक टाइटन आ जाता है और वो उस वॉल को तोड़ देता है। और फिर उस खुशहाल गांव में टाइटन्स का हमला हो जाता है। उन तीनों दोस्तों के सपने और दिल एक साथ टूट जाते हैं, क्योंकि वो अपने करीबियों को मरते हुए अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पाते। और खासकर अपना बेचारा एरन, भाई मेरा तो दिल टूट गया था। तो अब सवाल ये है कि आखिर वो तीनों दोस्त और वहाँ के वो गांव वाले उन बड़े बड़े खतरनाक टाइटन से कैसे बचेंगे, ये जानने के लिए आपको ये एनिमे देखनी पड़ेगी, जिसके अभी सिर्फ 4 सीजन आए हैं और इसका जो 14th सीजन है वो इसका फाइनल सीजन है। तो इस एनिमे के रिव्यू देने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले मैं उतना एनिमे नहीं देखता था, उतना ही क्या, मैं तो बिल्कुल भी एनिमे नहीं देखता था। मगर क्यों? रीजन ये था कि जब मैं 6th-7th क्लास में था तो मैं एनिमे को कार्टून समझता था और उनको कंपेयर करता था कार्टून नेटवर्क, पोगो और निकलोडियन के कार्टून से। फिर जब मैं 11th-12th में आया, मेरे अंदर थोड़ी मैच्योरिटी आई, तब मुझे पता चला कि नहीं, ये कार्टून बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बड़ों का कार्टून है जिन्हें लोग एनिमे कहते हैं। और क्लास में अगर आपको कूल बनना है ना, तो आपको एनिमे देखना ही पड़ेगा और क्लास में आके उस पर चर्चा भी करनी पड़ेगी, तभी आप कूल बनोगे। लेकिन सच बताऊं तो मैं क्लास में कूल तो भले ही नहीं था, लेकिन चूतिया जरूर था, क्योंकि जब मैं क्लास में जाता था तो जो अपने कूल बंदे थे वो तो अपना नेरुटो और ड्रैगन बॉल दी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एनिमे बात कर रहे होते थे। लेकिन मैं और मेरे चूतिया दोस्त पीछे वाली सीट पे बैठ के ये डिस्कस कर रहे होते थे कि साला ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। खैर इधर उधर ना जाके वापस टॉपिक में आया, तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि लोग सिर्फ एनिमे कूल बनने के लिए देखते हैं और मुझे कूल बनना उतना पसंद नहीं था। और हाँ, साथ में एनिमे होते भी बहुत लंबे थे, मतलब कि यार इतना लंबा कोर्स हो जाता था कि भाई देखने का मन ही नहीं करता था, तो इसीलिए मैंने एनिमे कभी देखने का ट्राई ही नहीं किया। लेकिन एक दिन ऐसा ही मैं मैन ऑफ कल्चर की पॉडकास्ट देख रहा था, तो मुझे वहाँ पे अटैक ऑन टाइटन के बारे में पता चला। तो उसकी जो स्टोरी थी वो वहाँ पे सुन के मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी। फिर मैंने जाके अटैक ऑन टाइटन का ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने जाके की पूरी सीरीज खत्म करी और बाय गॉड की कसम मैं बिक गया। कसम से सीरीज ने मेरे एनिमे को देखने का नजरिया ही बदल दिया कि नहीं, एनिमे बेकार नहीं होता, अगर तुम सीरियस हो, मैच्योर हो, तो एनिमे भी तुमको फुल मजा दे सकती है। और हाँ, मैं कह सकता हूँ कि शायद आगे चल के मैं एनिमे का चौदह बन जाऊं। खैर ये सीरीज बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सीरीज है, मतलब कुछ सीन्स इसमें ऐसे हैं ना जिनको देख के आपकी रूह कांप जाएगी और शायद आप इमोशनल भी हो जाओ। और हाँ, इस सीरीज के इमोशंस इतने इम्पैक्टफुल है ना कि आप उन कैरेक्टर्स के साथ अपने इमोशनल फीलिंग को कनेक्ट कर पाओगे, मतलब कि जब उन्हें दर्द होगा ना तो आपको भी कहीं ना कहीं दर्द होगा। एक चीज और है इस सीरीज की जो इस एनिमे को एक बेहतरीन एनिमे बनाती है, वो है इस एनिमे के ट्विस्ट एंड टर्न्स। मतलब भैया इतने ट्विस्ट तो मेरी खुद की जिंदगी में नहीं आए थे जितने इस सीरीज में भरे पड़े हैं। मतलब भाई सीरीज की पूरी स्टोरी बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है, तुम सोच ही नहीं पाओगे आगे क्या होने वाला है। मतलब अगर मैं इस एनिमे को एक सिंपल लाइन में बोलूं तो भले ही ये एनिमे वर्ल्ड का नंबर वन एनिमे ना हो, लेकिन अब तक का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे तो जरूर है। इस एनिमे ने मुझे तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दिया और मुझे गर्व है कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला एनिमे अटैक ऑन टाइटन देखा। आई लव्ड इट, स्पेशली मिकासा। तो लास्ट में बस यही बोलूंगा कि अगर तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि तुम्हें एनिमे देखना चाहिए या नहीं, तो भाई अब तक क्या कर रहे हो, मतलब कि हाँ वीडियो देख रहे थे, लेकिन अब जाओ 100% देखो, मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ तुम निराश नहीं होगे। तो बस इस वीडियो का ये खत्म करने का वक्त आ चुका है, और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने लोगों के साथ। तो मैं चाहता हूँ आप लोग के लिए नया कॉन्टेंट ढूंढने, तो चलिए नमस्ते।